मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टॉप 5 फोटो एडिट एप्लीकेशन। इसमें 4 एप्लीकेशन आपको बताऊंगा फोटो एडिट का, और एक एप्लीकेशन आपको बताऊंगा फोटो एडिट का, और एक वीडियो एडिट का, जो आप व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह और इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह बना सकते हो, वो भी फ्री में। आपको कोई इसमें चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, फ्री में बिल्कुल प्रीमियम लुक्स वाला फ़ोटो एडिट कर सकते हो, टॉप 5 फोटो एप्लीकेशन। तो देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विथ आशुतोष। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए गए बेल बटन को दबाना, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था 5 एप्लीकेशन, टॉप 5 एप्लीकेशन के बारे में, उसे टॉप 5 एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है टॉप 1 में, वो है स्नैपसीड। जो स्नैपसीड है ये बहुत ही बेहतरीन, आपसे सबको ये सब करीबन सब लोग जानते हैं इसके बारे में, ये काफ़ी पॉपुलर है आपसे। इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये वाला देखिए, यहाँ पे आप नॉर्मली टिक क्लिक कीजिए, फ़ोटो को क्लिक कीजिए, बस आ गया आपका स्टाइलिश में। आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप सारे इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी पूरे फ्री में। आपको इसमें कोई परचेस करना नहीं पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारा टूल्स दिया गया है। ये देखिए, दूसरे जो फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है उसके हिसाब से ये देखिए, यहाँ पे जो स्क्रीन पे है, ये बहुत सारा टूल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्यून इमेज, डिटेल्स, कर्व्स, वाइट बैलेंस, क्रॉप, रोटेट का काफ़ी सारा, हेड पोज वगैरह, लेंस ब्लर। आप लेंस ब्लर जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप कहीं भी फ़ोटो में आप किसी एक जगह को पॉइंट करके वो वाला फोकस में रख के बाकी जो है ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड। ये काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। या टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, फ्रेम वगैरह इससे कर सकते हो, और इसको सेव करना भी बहुत ही आसान है। आप ये नॉर्मल एक्सपोर्ट क्लिक करो, बस सेव ऑप्शन में क्लिक करो, बस आपका फ़ोटो सेव हो गया। तो ये वाला यूज़र जो, ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। इसके जो इंटरफेस है बहुत ही इजी है, कोई भी इसे एडिट कर सकता है। चलते हैं जो टॉप 2 में है। जो टॉप 2 है वो फोटो एप्लीकेशन, वो है लाइट एक्स। जो लाइट एक्स है ये काफ़ी प्रीमियम एप्लीकेशन है, उसका नाम भी थोड़ा प्रीमियम ही लगता होगा आपको। इसमें आप पैटर्न वगैरह बना सकते हो, फोटो एडिट कर सकते हो। इसको इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। इसे आप अगर चाहो तो परचेस करने का तो परचेस कर सकते हो, मगर मैं आप अभी को अभी नहीं बोलूँगा परचेस करने को। पहले कोई भी आप डाउनलोड करते हो, कोई यूज़ करते हो, आप पहले उसका ट्रायल वर्जन यूज़ करो, कुछ दिन यूज़ करो। अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं ये वाला जो एप्लीकेशन है ये काम करेगा, ये मेरे काम का चीज़ है, तभी जाके परचेस करो। कभी पहले से परचेस मत कर देना। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे फ़ोटो एडिट करना भी आसान है, उससे थोड़ा क्रिटिकल है, मगर फिर भी आप कर सकते हो। उसे फ़ोटो ऐड करने के बाद वहाँ पे क्लिक करो, इसमें फ़िल्टर एडिट, सेल्फ़ी वगैरह, सेल्फ़ी डायरेक्ट ले सकते हो इंस्टा के लिए, या सोशल में बैकड्रॉप वगैरह से टेक्स्ट, स्टिकर, टडल, फ्री स्टाइल, कॉलेज में फ्री स्टाइल ग्रेड, फ्रेम वगैरह ये सब कर सकते हो, इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, कलर मिक्स। ये वाला जो है ये इसमें इसका जो खासियत है ये वाला है कलर मिक्स। इसमें बहुत सारा कलर मिक्स में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स इसमें है कलर मिक्स में। और आपको बता देना चाहूँगा, इसमें थोड़ा ऐड आएगा क्योंकि ये ट्रायल वर्सन है, फ्री में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेप आप चेंज कर सकते हो, लेवल प्रो टूल्स से जो है प्रो टूल्स बैलेंस लेवल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, मगर प्रीमियम में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मगर फ्री में भी अगर आप इसी फेसबुक इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालना चाहते हो तो ये वाला एप्लीकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अभी चलते हैं जो टॉप 3 एप्लीकेशन है, वो है फोटोशॉप एक्सप्रेस। जो फोटोशॉप एक्सप्रेस है वो तो आप इसका नाम सुना ही होगा पहले, काफ़ी प्रोफेशनल लोग ये सब यूज़ करते हैं पीसी में, फोटोशॉप एक्सप्रेस। अब ये आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, इसमें भी उतना कोई खास नहीं, थोड़ा इसका एडिटिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है, थोड़ी क्रिटिकल है, फिर भी आप इसे आराम से सीख जाओगे अगर एक दो दिन यूज़ करोगे तो। इसमें देखिए आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे,
नॉर्मल फ्री क्रम वाइट बैलेंस ब्लैक वाइट फ्रेटेटिक नेचर सर बहुत सारा ऐसे बहुत सारा दिखे स्प्लैश ड्यूटोन बहुत सारा आपको इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि पहले से वो है आपको कुछ एडिट करना उसमें नहीं है। आप देखो ये वाला देखो मैं यहाँ पे कर दिया उसे उसके ऊपर क्लिक कर दिया देखो मेरा फ़ोटो का कैसे आ गया और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो बैलेंस एडजस्ट कर सकते हो आप कैसा कितना डिप करना चाहते हो कितना क्या आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये वाला भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आप क्रॉप कर सकते हो क्रॉप के ऑप्शन दिया जाता है। और एक बात इसमें ये ही एक खासियत है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें देखिए आपका जो एस्पेक्ट रेटियो जो है जो आप किस लिए फोटो मतलब एडिट कर रहे हो अगर फेसबुक प्रोफाइल कवर के लिए कर रहे हो या फेसबुक को ऐड देने के लिए या इंस्टा के लिए हर कोई जगह हर किसी के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ट्विटर है हेडर में आप ऐसा लंबा जैसा रहता है वो बनाना है तो ये आपका फ़ोटो जो है वो इतना चौड़ा है वो तो कैसे बनाओगे तो यहाँ पे क्लिक करना है बस उसी हिसाब से वो कस्टमाइज़ कर लेगा आपका। आप देखे होंगे इंस्टाग्राम में अभी कभी कभी फुल फ़ोटो डाले होंगे मगर आपका आधा फ़ोटो दिखता होगा वो इसीलिए ही होता है। तो यहाँ पे आप अगर आपका जो है जिसमें इसे अपलोड करना चाहते हो उसका साइज़ यहाँ पे डाल दोगे तो बेहतर होगा क्योंकि सभी को साइज़ पता नहीं होता है कौन सा साइज़ का पिक्चर कहाँ पे लगता है इसीलिए यहाँ पे ये पूरा डिफ़ॉल्ट लिख दिया है कहाँ पे गए फेसबुक आर्ट पे हो फेसबुक प्रोफाइल कवर पे हो फेसबुक इवेंट कवर पे हो फेसबुक पेज कवर इससे बहुत सारा दिख सकते हैं आप डाउनलोड करके इसमें। और इसमें जो ट्रांसफॉर्म है इसमें भी बहुत काफ़ी सारा है। और लास्ट में एक बात बता देना चाहूँगा इसे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो स्टिकर्स दे सकते हो और इसमें लास्ट में देख रहे होंगे PS लिखा हुआ है फोटोशॉप फॉर फ्री ये वाला है जो इसे आप ट्राई करना सब डाउनलोड करके ये वाला आप डाउनलोड करने के बाद आप कुछ दिन के लिए इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हो मगर आपको 100% प्रीमियम फैसिलिटीज नहीं मिलेगा आपको कुछ इफ़ेक्ट्स है कुछ स्टिकर्स है ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा मगर पूरा 100% जो है वो आपको नहीं मिलेगा। आप पहले इसे यूज़ करो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस कर लेना। और अभी चलते हैं जो आता है हमारा टॉप 4 में वो बहुत ही अच्छा है ये सबके लिए ज़रूरी है वो है बैकग्राउंड इरेजर। ये काफ़ी काम का चीज़ है अगर आप कहीं फ़ोटो क्लिक किए हो आपका फ़ोटो बहुत अच्छा आया है मगर पीछे आपका कोई आदमी खड़ा हो गया कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गया है आपको वो हटाना है वो हटा देने से आपका फ़ोटो जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पर बेसिक ये आपके बैकग्राउंड डिलीट करने का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। ये देखो बहुत ही सिंपल है आप इसे क्लिक करो फ़ोटो के ऊपर यहाँ पे देखो मैं यूट्यूब में भी मेरा जो थंबनेल्स वगैरह बनाता हूँ कुछ भी एडिट रहता है फ़ोटो का तो मैं इसी में ही बनाता हूँ। देखो बहुत ही ईजी है यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया फ़ोटो पे बस कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पे फ़ोटो आ गया आपका यहाँ पे ऊपर में देखो डन है डन क्लिक कर दिया यहाँ पे नीचे देखो एक्सट्रैक्ट ऑटो मैजिक तो ऑटो मोड में ही रखना है हर बार बैकग्राउंड आपका जो है वो उसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट है बस छोड़ देना है। देखो मेरा बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो गया ये जो यहाँ पर था थोड़ा वो भी चला गया यहाँ पे बस हो गया यहाँ पे भी जो है ये देखो ऐसे ही आप इसे डिलीट कर सकते हो। जैसे भी आप देखो फोटोशॉप वगैरह में यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा उसे इधर उधर लेके बहुत तकलीफ़ होता है इसे डिलीट करना ये देखो आसानी से कितने सेकंड 5-7 सेकंड में आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से अगर आप यूज़ कर सकते हो ये आपके लिए बहुत ही अगर आपके कुछ पीछे साइड में कुछ रह जाता है तो ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ये माहिर है एप्लीकेशन बैकग्राउंड आपका क्रॉप करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन जो है वो माहिर है। आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी डिमांडिंग भी है आज के डेट में काफ़ी सारे यूट्यूबर इसे यूज़ करते हैं उनकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो वो काफ़ी सारा यूट्यूबर इसे यूज़ करते हैं थंबनेल्स बनाने के लिए। तो और अभी चलते हैं जो लास्ट एप्लीकेशन हमारा है वो फोटो रिलेटेड नहीं है वो वीडियो एडिटिंग ऐप से जो कि काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं काइन मास्टर उसका नाम है। इसमें आप फ्री में वीडियो एडिट कर सकते हो
मगर ये वाला जो है ये मेरा प्रीमियम वर्सन है, तो मेरा जो न्यू अपडेट्स कुछ आया है मैं इसे अपडेट लेटर करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अपडेट करना नहीं है मेरे को। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे 16.9 रेटिंग है जो वो यूट्यूब के लिए है, ये वगैरह बहुत सारा इंस्टाग्राम के लिए 1.1, ऐसे ही इस पर आप सिलेक्ट करके वीडियो एडिट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोटो है, आप चाहते हो कि खाली फ़ोटो को मिक्स करके आपको एक व्हाट्सअप स्टेटस बनाए या आपका जो इंस्टा स्टोरी कुछ बनाए, तो आपके लिए ये वाला एप्लीकेशन जो है काइन मास्टर, ये वाला बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, आप बहुत सारे फीचर्स इसमें बहुत सारे, जैसे कि फिल्म में देखते हो सारा, इतना सारा इफेक्ट्स ऐड होता है, बेक्स ऐड होता है, लेटर ऐड होता है, आप सारा का सारा इसमें ही कर सकते हो। ये बहुत ही, ये देखिए लेयर्स में आप मीडिया ऐड कर सकते हो, इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। ये तो भाई इफेक्ट्स का तो पूरा ये दुकान ही है, मैं बोल दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है ये वाला एप्लीकेशन, मैं इसे खुद मैं उसे परचेस करके यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, ये मेरा 25% है। आप फ्री में भी ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइड में बगल में काइन मास्टर का वाटरमार्क आएगा, बस उतना, और कुछ इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप HD क्लैरिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियो, स्टिकर में काफ़ी बेहतरीन स्टिकर आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशन वगैरह सब। ये वाला देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला देखो स्टिकर में ऐड किया, इससे बड़ा छोटा जितना अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इसे कस्टमाइज़ कर दिया, इसे थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि देख सकें, बस हो गया। आप यहाँ से प्ले बटन दबाओ, बस स्टार्ट हो गया आपका एनिमेशन। खुद का फ़ोटो भी इसमें डाल के आप ऐसे ही बना सकते हो और दोस्त को भेज सकते हो, बहुत ही अच्छा है। इसमें और भी लेयर से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, हैंड राइटिंग ऐड कर सकते हो, मीडिया ऐड कर सकते हो, दूसरा कुछ फ़ोटो वगैरह, कुछ आइकन, कुछ भी तुम्हारा लोगो, कुछ भी ऐड कर सकते हो इसमें। और एक्सपोर्ट करना है बहुत ही ईजी है इसमें। हाँ, और एक बात, इसमें आप ऑडियो ऐड कर सकते हो, कोई भी आपका अगर गाना ऐड करना है, बैकग्राउंड में आपका व्हाट्सएप स्टेटस बना रहे हो, कोई रोमांटिक सा गाना हो और कोई देवदास वाला लड़का हो तो वो देवदास वाला गाना लगा सकता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा गाना लगाओगे, ये आपका बैकग्राउंड में दे सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट करना बहुत ही ईजी है, यहाँ पे ऊपर में देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे बस हो गया। आप कौन सा रेजोल्यूशन में आपको सेव करना है, ये मेरा फ़ोन सपोर्ट करता है 4K की रेजोल्यूशन, तो मेरा 4K का ऑप्शन आ रहा है। आपका जो भी आएगा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, 720 पे रखे, 24 सिनेमा पे रखे, एक्सपोर्ट बटन दबा दिए। इसका जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड है। अब मैं देखा हूँ, मैं 10-15 मिनट का वीडियो एक्सपोर्ट करता हूँ एडिट करके, वो काफ़ी फास्ट होता है, ज़्यादातर तीन चार मिनट मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको हो जाते हैं। अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टा स्टोरी वगैरह इस बनाना चाहते हो, कुछ अमेजिंग वीडियो बनाना चाहते हो, कुछ मेमोरीज करना चाहते हो, मेमोरेबल वीडियो फ़ोटोज़ को इसमें एडिट करके आप काफ़ी मज़ेदार क्लिप्स बना सकते हो। तो आखिर में दोस्तों, ये जो था ये टॉप एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन आपके लिए था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका ये एप्लीकेशन कैसा लगा, आप इसे यूज़ कैसे कर पाते हो। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे इन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो और शेयर करो, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करो। अगर कुछ सेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके हिसाब से बनाऊंगा। तो अब चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।